वेलकम इन बीवीबीएन ऑनलाइन क्लास। टुडे सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों आज का हमारा विषय क्या है? हिंदी। और हिंदी में हम क्या सीखेंगे आज? व्यंजन। व्यंजन को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें कौन सी लाइन पढ़ेंगे आज? ट से अण। ट से अण तक व्यंजन को हम लिखना भी सीखेंगे, साथ साथ ओरल भी इनकी प्रैक्टिस करेंगे। हमने हिंदी में अब तक क्या क्या सीखा है? स्वर सीखे हैं, व्यंजन सीखे हैं। और व्यंजन कहाँ से कहाँ तक सीखे हम लोगों ने? क से अयं तक, जिसका आपका टेस्ट भी हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है ना। और आप इनकी रोज रोज लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपको और अच्छे से लिखना भी आ जाएगा। तो मैं आज की जो हमारे व्यंजन है, ट से अण है, वो स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग मेरे साथ पहले ओरल बोलना और फिर बाद में इसकी लिखने की प्रैक्टिस करना, जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ उसको देखकर। सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस ब्लैक बोर्ड। अब ये बताइए क्या है? ट से टमाटर। ट से क्या होता है बच्चों? टमाटर। फिर नेक्स्ट है ठ से ठटेरा। फिर नेक्स्ट है क्या होता है ये? ड से डमरू। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है ढ से ढक्कन। ये क्या है? ढ से ढक्कन। फिर है हमारा अनमानी कुछ नहीं। ओके, अब मैं आपको इनको लिखने का बता रही हूँ कि इनको लिखते कैसे हैं, फिर मैं आपको दोबारा इनकी प्रैक्टिस ओरल करवाऊंगी। अब ये क्या लिखा हुआ है? ट से टमाटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एन बनाई, एक छोटी लाइन बनाई, फिर उसको जैसे हम एबीसी में स्मॉल सी बनाते हैं, वैसे इसका नीचे सी बना दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? ट से टमाटर। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? ये ठ से ठटेरा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ठ से ठटेरा को एक छोटी लाइन बनाई, फिर हम ओ से ऑरेंज बनाते हैं ना, वैसे इसके मुंह बना दिया, स्मॉल ओ भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? ठ से ठटेरा। फिर है ये हमारा क्या होता है? ड से डमरू। तो ड से डमरू कैसे बनाएंगे? सीधी लाइन की, फिर एक छोटी लाइन बनाई, इसको ऐसे ट से टमाटर बनाया, फिर इसका मुंह हमने दोबारा उल्टा बना दिया। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? ड से डमरू। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है? मैंने आपको ढ से ढक्कन। ये भी आसान है, बहुत इजी है। सीधी लाइन बनाई, फिर छोटी लाइन बनाई, फिर जैसे ट से टमाटर बनाना है, उसके लिए हमने जैसे इस लाइन के आगे हमने सी बना दिया, फिर इसके गोला बना दिया। ये उल्टा सी भी बोल सकते हैं इसको, हम उल्टा सी बना के। ओके, तो ये क्या बन गया? ढ से ढक्कन। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम नेक्स्ट आते हैं। ये क्या है? अनमनी कुछ नहीं। इसको हम कैसे लिखेंगे? आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना इसकी, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बन गया हमारा अनमनी कुछ नहीं। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान से देखना और मेरे साथ साथ इनको बोलना। ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अनमानी कुछ नहीं। सो स्टूडेंट्स, हमने आज कहां से कहां तक व्यंजन पढ़े? ट से लेकर अण तक। ट वाली लाइन हमने व्यंजन की जो है पूरी की है। तो आप लोगों को इन व्यंजन को लर्न करना है, साथ साथ आपको जो मैंने पहले जो सिखाया है उनकी भी इनके साथ रोज प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अच्छे से ही आ जाए। आप अपनी हिंदी की नोटबुक में इनको अच्छे से करना, जिनके पास बुक है वो इनकी लिखने की बुक में प्रैक्टिस करना, साथ इनको ओरल भी आप लोगों को सीखना है। ओके स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।